तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डॉक्टर हाथी यानी कि कवि कुमार आजाद, वो कहते थे हाथी की तरह जल्द ठीक होकर आ जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में डॉक्टर हाथी का मशहूर किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर कवि कुमार आजाद सबको हंसाते हंसाते इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे अपनी यादें छोड़ गए हैं। वो यादें जिनके साथ उनके संगी साथी बताते बताते रो पड़ते हैं। सीरियल तारक मेहता में अंजलि तारक मेहता की भूमिका करने वाली एक्ट्रेस नेहा मेहता भी डॉक्टर हाथी को याद करके उदास हो जाती हैं और कहती हैं, हमारी पूरी यूनिट उनके जाने से दुखी है, पर क्या करें, जिसका बुलावा आता है उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो जब भी मिलते थे तो हंसते हंसते हुए कहते थे जय हो। उनका जय हो कहना सभी को बहुत अच्छा लगता था। वो स्वभाव में बिल्कुल बच्चों जैसे थे, बच्चों के साथ उनकी जमती भी खूब थी। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम में से कोई भी उनके भारी शरीर पर कभी कोई मजाक करता भी था तो वो बुरा नहीं मानते थे। यहाँ तक कि कोई बाहर से आया व्यक्ति भी उन पर हंसता था तो वो कहते थे कि आजकल दुनिया रुलाने पर उतारू है, लेकिन यदि मेरा ये भारी शरीर किसी को खुशी देता है तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अधिक वजन के कारण वो अस्वस्थ हो जाते थे, लेकिन ज्यादातर अपनी समस्या किसी को बताते नहीं थे। कभी तबीयत खराब हो जाने पर यदि वो घर वापस जाने लगते थे तो मैं उनसे पूछती थी क्या तबीयत ठीक नहीं है, तो मुस्कुराते हुए कहते थे आज तबीयत नासाज है अंजलि जी, लेकिन जल्द ठीक होकर हाथी की तरह आऊंगा। जी हाँ, डॉक्टर हाथी खुद कहते थे कि ठीक होऊंगा और जल्द हाथी की तरह वापस लौटकर एक बड़ी एंट्री करूंगा। वो हर बार ठीक होकर अगले ही दिन काम पर आ जाते थे, लेकिन अफसोस अब वो कभी नहीं आएंगे।